अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बटर नान। इसको मैंने घर में बनाया है और किस तरीके से बनाया है, चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमें इसके लिए एक कटोरी मैंने मैदा लिया है, आधी कटोरी मैंने आटा लिया है, एक ग्लास मैंने मिल्क लिया है, आधा चम्मच मैंने अजवाइन ली है, आधा चम्मच मैंने शक्कर का लिया है और आधे चम्मच से कम मैंने नमक लिया है, 3 से 4 पिंच है ये। अगर आप बच्चों के लिए बना रही हैं तो इसके लिए आप शक्कर को बढ़ा भी सकती हैं, आधे से आप 1 चम्मच भी कर सकती हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें मैंने मैदा डाल दिया है। मैदे के बाद जो हमारा आटा है, आप आटा डाल दीजिए। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक अगर आप चाहें तो काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शुगर डाल दी है। शुगर डालने के बाद आप इसमें मिल्क को थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के इसको घोल लीजिए। हमें इसमें एक साथ मिल्क नहीं डालना है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, आप इस हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक साथ नहीं डाला है, मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें मिल्क डाल के, अगर आपका मिल्क ज़्यादा है या कम है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमें इसे एक सॉफ्ट डो बना लेना है। आप इसे बिल्कुल आटे की तरीके से ही गूंथिए, जैसा कि आप आटा गूंथते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसके बाद मैंने इसमें 1 से 2 चुटकी सोडा डाला है, ये खाने वाला सोडा है। सोडा डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब आपका आटा गूंथ जाए तो आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट के लिए रख दीजिए। आप इसे ढक दीजिए, चाहे वो आप बर्तन से ढक दीजिए या आप किसी कपड़े से ढक के रख दीजिए। उसके बाद आप एक लोई के लिए इसमें आटा ले लीजिए। लोई आपकी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज़ की होनी चाहिए। उसके बाद आप इस तरीके से इसे बेल लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसे बेल लीजिए, जैसा आप रोटी की तरीके से आप बेलते हैं। रोटी के तरीके से आप बेलने के बाद जो हमारी अजवाइन है, आप इसे ऊपर से इस तरीके से डाल दीजिए, क्योंकि हमें एक ही साइड इसे लगाना है। और इसे बेलन से 1 या 2 बार आप इसे प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से इसमें हाथ में ले लीजिए और जो दूसरी साइड से है आप इसे पानी लगा दीजिए। पानी आपको ज़्यादा लगाना है, जितना भी आप लगा सकती हैं।
हमें उस साइड में नहीं लगाना है जिस साइड में हमारी अजवाइन लगी है, आप दूसरी तरफ से लगाइए। उसके बाद आप तवा रख दीजिए। तवा हमारा काफ़ी गर्म होना चाहिए, बिल्कुल हाई हीट पे। उसके बाद जो हमारा पानी वाला साइड से है, आप उसको इस तरीके से आप डाल दीजिए। जैसे आप डालेंगे तो ये वो इस तरीके से फूल जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आप उसे पलट के इस तरीके से आप सेक लीजिए, चारों तरफ से आप सेक लीजिए हल्की आंच में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे नान रेडी है। मैं आपको अभी पलट के भी दिखाऊंगी कि हमारी पलट के भी सिक जाती है। ये हमारा अजवाइन वाला साइड है जो ऊपर है, और ये हमारा पलट के है। जैसा कि आप हमारी नान होती है, इसी तरीके से मैंने दूसरी भी डाली है। हमें इसे भी इसी तरीके से ही सेकना है। पानी आप लेकिन ज़्यादा लगाइए जिसमें वो अच्छे से चिपक पाए। और तवे पे डालने के बाद 10 सेकेंड के बाद आप फौरन उसे पलट के सेक लीजिए। अगर आप ज़्यादा देर से करेंगे तो ये छोड़ देगी तवे से ही, और आपकी दूसरी तरफ से सिक नहीं पाएगी। इसके बाद आप इसमें बटर लगाइए, घी लगाइए, या आप जिस तरीके से भी कुछ भी आप लगा के खाना चाहते हैं, आप उस तरीके से लगा के खा सकते हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।